यूट्यूब चैनल आज देखिए एंड्रॉइड का नया नोकिया स्मार्ट टीवी क्यूलेट, इसकी अनबॉक्सिंग आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए ये नोकिया का क्यूलेट टीवी है। ये एक्सेसरीज है, इसके साथ क्या मिला है, ये रिमोट है, हॉट केस बना हुआ है, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, गूगल प्ले, प्राइम, अमेज़ॉन, दो डबल ए बैटरी हैं, स्क्रूज हैं और ये वायर केबल है। चलिए इसको रखते हैं साइड में। ये स्टैंड है, मेटालिक स्टैंड, ये स्क्रू वॉल माउंटिंग आपको इसके साथ मिलेगी। सेल, इसके रिमोट में सेल डल चुके हैं, अब इसको स्टार्ट करेंगे। ये देखिए गाइस, नोकिया एंड्रॉयड टीवी क्यूलेट, ये नॉर्मल एलईडी से अपग्रेड वर्जन है। ओके गाइस, ये 5G नेटवर्क को भी सपोर्ट करता है। स्टार्ट हो रहा है, केसरिया कोई भी गाना, ब्लूटूथ बहुत ही फास्ट है इसका रिमोट। ये देखो गाइस, ये 4K वीडियो चल रही है, इसमें बहुत ही ज़बरदस्त क्लैरिटी आ रही है इसकी, क्योंकि क्यूलेट स्क्रीन है। गाइस 30 वाट्स के दो स्पीकर दिए गए हैं, 30-30 KBL, जो आउटपुट आता है आपको इसमें ऊपर के साउंड बार की जरूरत ही पड़ेगी। गाइस ये साउंड बाय JBL और बेजल बहुत ही ना के बराबर, 95% इसका बॉडी रेशियो है। और ये नोकिया की यहाँ ब्रांडिंग है, आपको भी इस टीवी के बारे में अगर कुछ पूछना है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी सुपर क्वालिटी है नो डाउट, क्योंकि इसकी क्लैरिटी जो है क्यूलेट, एक नॉर्मल टीवी भी था वो उसमें मिल रहा था सस्ते में, लेकिन वो नहीं लिया मैंने, ये लिया, क्योंकि इसकी जो क्लैरिटी बेजलेस है ज़बरदस्त है। यहाँ पे इसका पावर पोर्ट है, ये देखिए ऊपर दो USB दे रखे हैं, एक इंटरनेट का सपोर्ट है और 3 HDMI केबल है, और इसमें ब्लूटूथ भी है और ऑक्स केबल लगाने का भी है, अगर आप वायर हेडफोन सुनना चाहते हैं वायर वाला तो उससे भी आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। स्टैंड देख रहे हैं आप,
परफेक्टली इसमें सेट हो चुके हैं। देख सकते हैं इसकी 400 नेट्स की ब्राइटनेस है, बहुत ही अल्ट्रा HD 4K सब कुछ सपोर्ट करता है। जो आप टीवी में चाहते हैं वो हर चीज़ इसमें मिलेगा, हर सारा फीचर्स है इसमें। क्योंकि नोकिया स्मार्ट टीवी एंड्रॉयड 51.5 इंच QLED है। ये रहेगा इसमें डेट टाइम सेटिंग सब कुछ आप अपडेट कर सकते हैं। लैंग्वेज डिस्प्ले साउंड स्टोरेज मोबाइल इसमें आपको स्टोरेज मिलेगी अप टू 16 GB आते हैं, जिसमें टोटल स्पेस जो एंड्रॉयड 11 ले लेता है वो 8.3 GB है। इसमें आप और भी ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, गूगल असिस्टेंस तो है ये, स्क्रीन सेवर, एनर्जी लोकेशन, ये पूरा रिमोट आप सब कुछ इसमें कर सकते हैं। फुल जैसे आप मोबाइल एंड्रॉयड चलाते हैं वैसे ये टीवी भी एंड्रॉयड का है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इसमें, ये इस रिमोट में इसके गूगल असिस्टेंस है। तो ओपन यूट्यूब, इसने इस पर ओपन यूट्यूब कर दिया है। वॉइस असिस्टेंस है जिससे आप कोई भी ऐप ओपन कर सकते हैं, जस्ट गूगल असिस्टेंस है। ओके गूगल ओपन नेटफ्लिक्स, ये देखो गाइस नेटफ्लिक्स ओपन हो गया। अब फिर आप कहना चाहते हैं ओके गूगल ओपन प्राइम अमेज़ॉन, ओपन प्राइम अमेज़ॉन। ये देखिए गाइस ये वॉइस असिस्टेंस पे भी चलता है अगर आप, और ये रिमोट जो है इस पर टीवी के सामने रखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ब्लूटूथ है जिससे कि किसी भी डायरेक्शन पे रहेगा रिमोट तो आप वहीं से ओपन कर सकते हैं। जैसे अब ये देखिए इस डायरेक्शन पे है तो मैं इसको ये यहाँ से ओपन कर रहा हूँ। देख रहे हैं सीधा टीवी के सामने जाने की रिमोट रखने की ज़रूरत नहीं, किसी भी डायरेक्शन में आप उससे ओपन कर सकते हैं। और इस रिमोट से आप अपने घर के जो इस पर लाइट्स होती हैं वाईफाई लाइट्स वो भी कंट्रोल कर सकते हैं, स्विच ऑन लाइट्स स्विच ऑफ लाइट्स। ये रिमोट भी सुपर डुपर स्मार्ट है और टीवी तो है ही बिल्कुल ज़बरदस्त। और आप इसमें सब कुछ आपको अपडेट मिलेगा, एंड्रॉयड 11 के साथ आता है ये टीवी। और आप भी आप फिर स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ये देखिए गाइस साउंड क्वालिटी भी ज़बरदस्त है, उसमें कोई वो नहीं है। में आपको क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा तो स्टीम में आपको ये होम थिएटर लेने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इसका वॉल्यूम अभी है 48-49 पे, 50% में इसका डबल साउंड आ रहा है क्योंकि साउंड JBL का है, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो अगर आप 95% लोगों को इसमें स्पीकर आउटसोर्स करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो इसी टीवी से इनका काम हो जाएगा।
चलिए दोस्तों, फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।